प्रश्न चाहिए मुझे, प्रश्न प्रश्न कौन पूछना चाहता है, क्या किससे पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न किसी से नहीं है, पूरे संसार के लिए है कि केवल देव। अरे अयोध्या के वासी सारे संसार से बात करते हैं क्या? बोलिए बोलिए। पूरा संसार हमारे लिए है, केवल देव कार्य के लिए देवता साथ होते हैं, कोई राक्षस कभी कोई साथ आया है? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, 500 वर्षों के बाद भगवान राम लला आ रहे हैं तो राम विरोधी क्यों बन रहे हो? आए मैं पूछना चाहता हूँ, राम विरोधी क्यों बन रहे हो? ए हरि व्यापक सर्व समाना, प्रेम ते हो प्रकट में जाना। भगवान तो व्यापक है मगर जो प्रेम से प्रकट करना चाहे वो प्रकट कर सकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बन करके अगर प्रकट कर रहे हैं तो विरोधियों को क्यों दिक्कत हो रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब पत्थरों में राम नाम लिखने से तैर जाता है तो क्या 2024 में राम का सहारा लेकर के हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी बेड़ा पार कर देंगे रामलला जी? लीजिए, यहाँ पर मोदी योगी का बेड़ा पार करने के लिए एक पूरी जमात खड़ी हो गई है, आप रामद्रोही क्यों बन रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, रामद्रोही कौन है और कौन नहीं है, राम के आदर्शों का जो पालन न करे रामद्रोही तो असल में वो होता है। इसी अयोध्या के अंदर जिस अयोध्या के लोगों ने रक्त दिया अपने राम मंदिर को, चंदा तक दिया, इन्हीं के बीजेपी के पूर्व के तमाम पदम नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भाई, इस बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने, उस बच्चों ने अपने गुल्लक का चंदे में दिया था, गुल्लक का पैसा निकाल के बीजेपी के नेताओं ने गुल्लक का पैसा चोरी किया है, जमीन 2 करोड़ खरीदी 25 करोड़ में बेची, ये चंदा चोरी करी। और रामद्रोह सुन लीजिए, रामद्रोह का क्या कारण क्या है, रामद्रोह करते करते स्तर पे आ गए कि चंपत राय ने एक वीडियो जारी हुआ है, उन्होंने कहा है कि अयोध्या के लोग गला काट के पैसा निकाल लेते हैं। अयोध्या के लोगों ने कहा कि सोने का मढ़वा दो, उस पर दरवाजे के ऊपर सोना मढ़वा दो, 60 करोड़ का सोना लगा है, कोई जो है काट लेगा। अच्छा, इसका सबूत कहाँ है, इसका सबूत कहाँ है? ठीक है, आप सबूत निकालिए, एक प्रश्न और ले लेती हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। फिर श्वेता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, बताइए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका नेतृत्व, यहाँ की इनके इनके पूरे संगठन को चलाने वाली सोनिया गांधी जी विद राहुल गांधी सब जमानत पर हैं, जेल जाने की कगार पर हैं, वित्त मंत्री जेल जा चुका है। और इनका इतिहास बताना शुरू करूं तो चाहे वो सन 90 से हो, हिंदुओं का जब कश्मीर में काटा गया उसके बाद इन्होंने लगातार जो हिंदुओं के साथ कृत्य किए वो सारे कृत्य जनता के सामने हैं। पहली बार सनातन जागा है और पहली बार सनातन समझ चुका है, पूरे विश्व में अगर कोई उद्धार कर सकता है तो भाजपा सरकार कर सकती है। अच्छा ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, एक बात बताइए भाई साहब, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं ना, 80 की 80 साफ होने वाली है क्या? पिछली बार बुआ और भतीजे साथ आए थे, अब की बबुआ भी साथ हैं, कुछ करेंगे क्या? 80 देंगे ना, 80 देंगे ना।